जिले के एकमात्र केबल टीवी न्यूज नेटवर्क विरम न्यूज ने जालौर नगर परिषद क्षेत्रों में वार्डों में विकास को लेकर खास कार्यक्रम विकास वार्ड का वार्ड नंबर 2 में आयोजित किया। कार्यक्रम में वार्ड के विकास पर पार्षद व वार्डवासियों से चर्चा की गई। विरम न्यूज के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उजीत सिलावट ने बताया कि वार्डों में जन समस्याओं को देखते हुए वार्डों में विकास को लेकर वार्ड नंबर 2 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास वार्ड का कार्यक्रम में वार्ड 2 की भाजपा पार्षद भवरी देवी से 6 माह के कार्यकाल में विकास को लेकर चर्चा की। वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड के विकास को लेकर कई बार बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन वार्ड में अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है। वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड में नियमित सफाई को लेकर आज भी उनको सफाई टैक्सी का इंतजार है। वार्ड में विकास वार्ड के कार्यक्रम में वार्डवासियों ने परिषद के बोर्ड व सभापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड पार्षद की मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। वार्ड में लोगों ने व वार्ड पार्षद ने सिटी डिस्पेंसरी की आवश्यकता जताते हुए कहा कि गोड़ीची क्षेत्र के लिए सिटी डिस्पेंसरी का निर्माण स्वीकृत स्थान पर ही किया जाए। जालौर नगर परिषद प्रशासन की कुंभकर्ण नींद के चलते शहर में दिन में भी कई स्थानों पर रोड लाइट जल रही हैं, जिसके बिल का भुगतान शहरवासियों को अपनी मेहनत की कमाई से चुकाना पड़ रहा है। जालौर नगर परिषद क्षेत्र में रोड लाइट की समस्या को लेकर भाजपा का 6 माह का बोर्ड भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाया है। शहर में राजेंद्र नगर, तासखाना बावड़ी, रूपनगर, FCI, गोड़ीजी, रामदेव कॉलोनी, शास्त्री नगर, अम्बेडकर कॉलोनी, मानपुरा कॉलोनी सहित कई स्थानों पर रोड लाइट को शुरू बंद करने वाला भी कोई नहीं है। नगर परिषद में 2 संविदा कर्मियों के भरोसे चल रही रोड लाइट की व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती नजर आ रही है। शहर में दिन में भी रोड लाइटें शुरू रहने पर कई लोगों ने हेल्पलाइन में कॉल करके सूचित करने के बाद ही दिन में रोड लाइट बंद की जा रही है। शहरवासियों की मेहनत के पैसों पर रोड लाइट के नाम वाह वाही लूट रही नगर परिषद महज एक औपचारिकता निभाती नजर आ रही है। विद्युत विभाग ने नगर परिषद द्वारा रोड लाइट का बिल नहीं भरने पर रोड लाइट का पूर्व में कनेक्शन ही काट दिया था। शहर में रोड लाइट के अभाव में जिला प्रशासन व विद्युत विभाग की बैठक में रोड लाइट का भुगतान आम उपभोक्ताओं से वसूली पर ही रोड लाइट को शहर में पुनः शुरू की गई थी। अरे यहाँ पे ऑफिस के सामने हमेशा लगी रहती है, दिन में भी चालू रहती है, जब इसकी आवश्यकता होती है रात्रि में तब ये बंद रहती है। दिन में इसको न तो कोई बंद करके जाता है न इसकी कोई कार्रवाई की जाती है। ये सारा कर हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है, जितना भी बिल आता है उसको एक्स्ट्रा जोड़ के आम जनता हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय में कार्यरत एक डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने व घर पर इलाज करवाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PR चुंडावत को भी शिकायत की है। शहर के राजपुष्पक नगर में निवास कर रहे एक परिवार ने अपने बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ता देख डॉक्टर तिलोक चौहान को राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय में ड्यूटी के समय दिखाकर अस्पताल में भर्ती करवाया था। मरीज के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर तिलोक चौहान ने बच्चे का इलाज उनके घर पर करवाने की बात कहकर अस्पताल के वार्ड में देखने से मना कर दिया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर तिलोक चौहान के दुर्व्यवहार को लेकर PMO डॉक्टर PR चुंडावत को भी शिकायत की है। राजकीय अस्पताल में डॉक्टर के मरीजों के साथ अच्छे संबंध नहीं होने से मजबूरन गुजरात के लिए जाना पड़ रहा है। आज सुबह करीब टाइम तो उसमें लिखा भी है, बच्चा एक 8-10 साल का बच्चा भर्ती हुआ, साइकोलॉजिकल था, वो कह रहा था छाती में दर्द हो रहा, सांस नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर बच्चा पूरा सही था, मैंने पूरा चेक किया, कोई साइनोसिस नहीं थी, सांस की दोनों में फेफड़ों में रेस्पिरेशन बराबर नॉर्मल था, उसके बावजूद भी वो साइकोलॉजिकल लग रहा था, उसको मैंने सीरीनिस कराकर लगाया, बच्चा सीरियड सेटल हो गया। फिर बाद में अभी शाम को 4 बजे वापस स्टाफ ने फोन किया, तो फिर मैंने कहा एक बार वापस एक लगा दें, और मैं अभी 4:45 बजे वापस आया हॉस्पिटल में, तब उसको आगे के लिए रेफर के लिए मैंने कहा भाई मेरे को जो बच्चा ऐसा कुछ तकलीफ लग नहीं रही है, फिर भी आपको ऐसे ही लग रहा हो तो आप और भी कहीं हेयर सेंटर पर जाके आप दिखा दें। ये कहने पर उसके कोई भी जो साथ में दादा या जो भी थे उन्होंने मेरे साथ मतलब अब शब्द बोले और कहा कि पहले क्यों नहीं था कहा, जबकि बच्चा अभी भी चलने फिरने की स्थिति में है और कोई ऐसा उसके साइन सिम्टम नहीं लग रहे थे। वहाँ पर ये आरोप है कि डॉक्टर साहब बार बार हमें दबाव दे रहे हैं क्या? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, सुबह यहाँ पर OPD में मैंने बोल दिया, मैंने कहा ऐसे उनको ज़्यादा तकलीफ बहुत, लेकिन अभी भी आप चेक करा सकते।
जालौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे उच्च अधिकारियों की चुप्पी के चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दलालों से झगड़ना पड़ रहा है। यात्री रेलवे टिकट के लिए सुबह से शाम तक घंटों लाइनों में खड़े होकर अपने आरक्षित टिकट का इंतजार करते नजर आते हैं, जबकि रेलवे के आरक्षण टिकट बुकिंग के बाबुओं की मिली भगत से दलाल अंदर तक जाकर आरक्षित टिकट ले आते हैं। रेलवे स्टेशन पर आरक्षित सामान्य टिकट के लिए 8 बजे व तत्काल के लिए 10 बजे बुकिंग खिड़की से टिकट वितरण प्रणाली शुरू होती है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन सुबह शाम नजर आने वाले यात्रियों के रूप में दलाल आम यात्री के आरक्षण के साथ धोखे से टिकट हथियाने में सफल हो जाते हैं। जालौर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन 100 से अधिक चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, सूरत जाने वाले यात्री टिकट के लिए जालौर रेलवे स्टेशन पर आरक्षित टिकट की उम्मीद से आते हैं। रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण रेलवे यात्रियों को बिना टिकट के या वेटिंग टिकट लेकर जाना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर दलालों की बढ़ती दादागिरी का आलम तो ये है कि आरक्षण खिड़की में बैठे बाबू के मोबाइल पर ही टिकट की जानकारी का मैसेज भिजवाकर आरक्षित टिकट लेकर प्रति टिकट 1,000 से 1,500 रुपए यात्रियों से वसूल रही हैं। रेलवे स्टेशन पर दलालों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से दलालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस के सिपाही भी दलालों की अवैध वसूली के हिस्सेदार होने के कारण आज तक एक भी दलाल के खिलाफ रेलवे में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। रेलवे स्टेशन पर कई बार रेलवे जोधपुर नाम मात्र की छापामार कार्यवाही कर अखबारों की सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। जालौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने वीरम न्यूज के माध्यम से जिला प्रशासन से सहयोग की मांग करते हुए दलालों से मुक्ति दिलवाने की बात कही है। जालौर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की उदासीनता के चलते वार्ड नंबर 25 में जगह जगह गंदगी का आलम है। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के स्वच्छ जालौर अभियान के अंतर्गत परिषद क्षेत्र में अभी भी गंदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए साफ सफाई के सख्त निर्देश जारी कर स्वच्छ जालौर अभियान को सफल बनाने की बात कही थी। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न वार्डों में प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का दौरा कर स्वच्छता की बात कही थी, लेकिन नगर परिषद के सफाई निरीक्षकों की कुंभकर्णी नींद के चलते शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर के वार्ड 25 में साफ सफाई के अभाव में जगह जगह फैले गंदगी बीमारियों को न्योता दे रही है। वहीं नालियां नहीं होने से घरों का गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है, जिससे वार्डवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 25 में वार्डवासियों द्वारा वार्ड की सफाई करते देखा गया तो उनसे पूछे जाने पर समय पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का नहीं आना बताया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी गोविंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि माह जून 2015 में उपभोक्ता पखवाड़ा माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों में सत्यापित पात्र परिवारों को गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय योजना में चयनित परिवार राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड, बीपीएल, स्टेट बीपीएल व खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों के सदस्यों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट के हिसाब से वितरित किया जाएगा। अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारों में 2 माह की चीनी 1 रुपए किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाएगी। बिना गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ता को केरोसिन का प्रति परिवार राशन कार्ड पर 4 लीटर केरोसिन 17.50 रुपए प्रति लीटर की दर से वितरण किया जाएगा। जालौर निवासियों को वित्तीय सहायता तथा एटीएम के संचालन से रूबरू करवाने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी तथा जिला प्रमुख डॉक्टर वन्य सिंह गोहिल ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल एटीएम वैन को रवाना किया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के प्रबंधक निदेशक पीएन भट्ट ने बताया कि जालौर जिले के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल एटीएम वैन आगामी 7 दिवसों तक खड़ी रहेगी और नागरिकों को वित्तीय समावेशन तथा एटीएम संचालन की जानकारी प्रदान करेगी। इस वैन को सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी तथा जिला प्रमुख डॉक्टर वन्य सिंह गोहिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर सोनी ने एटीएम वैन के एटीएम में अपना कार्ड डालकर खाते की जानकारी लेकर विधिवत शुरुआत की। उन्होंने बताया कि आर्थिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत यह मोबाइल वैन एटीएम आपके द्वारा सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाताधारकों के रुपए का एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी हुए हैं। इसके साथ साथ सभी बैंकों के कार्ड धारक एटीएम मोबाइल वैन का उपयोग कर सकेंगे। इससे एक बार में 40,000 रुपए की राशि की निकासी की जा सकती है। इस वैन के द्वारा मुद्रित तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों से भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में यह वैन जालौर शहर को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध करवाएगी।
आगामी चरणों में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जाकर एटीएम संचालन तथा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर मार्गदर्शी बैंक अधिकारी आरएस भाटी, राजस्थान ग्रामीण मरुधरा बैंक के अध्यक्ष एसपी श्रीमाली, एफएलसीसी परामर्शदाता उगम सिंह, प्रबंधक सीएम कंसारा भी उपस्थित थे। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई थी और उसमें प्रत्येक खाताधारक को एटीएम कार्ड जो जारी किए गए हैं, एटीएम कार्ड धारक अपने एटीएम का उपयोग करें और एक फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा हो देश के अंदर, इसके लिए राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक का अभिनव प्रयोग है। 7 दिन के लिए जालौर शहर में रहेगी, हर गली के नुक्कड़ पे मशीन खड़ी रहेगी और वहाँ से लोग एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक की एटीएम मशीन में सभी तरह के बैंकों के एटीएम चलते हैं और ख़ास तौर से एसबीआई और एसबीआई जितने भी एटीएम कार्ड होल्डर हैं वो अपने आराम से अपना इस्तेमाल करें। विदाउट कॉस्ट एटीएम चलते हैं और 40,000 रुपये तक का एक दिन का वो लेन देन इसमें पैसे निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जालौर शहर के लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे और शहर के अंदर एटीएम को लेकर बड़ी जागृति पैदा होगी, लिटरेसी आएगी। थैंक यू। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में पेंशनरों के साथ भारतीय डाक विभाग द्वारा पेश आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन किया गया। कोषाधिकारी दशरथ कुमार सोलंकी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के भुगतान को डाक विभाग के माध्यम से सुगम बनाने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पेंशन प्राप्तकर्ता के खाते में सीधे पेंशन की राशि स्थानांतरित करने के विषय पर चर्चा की गई और उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को प्रतिमाह कम से कम 25% मनी ऑर्डर के द्वारा पेंशन प्राप्त करने वालों के बैंक खातों को पेंशन से लिंक करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी अपने कार्यालय में एक प्रकोष्ठ का गठन करेंगे, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय समय में आने वाले पेंशन धारकों के खातों को पीपीओ के साथ ऑनलाइन लिंक करेगा। प्रकोष्ठ के बाहर इसकी सूचना अंकित की जाएगी। आगामी 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वृद्ध दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी पेंशनकर्ताओं के खातों को पेंशन के साथ लिंक करने वाले अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर पासबुक में पेंशन माह का अंकन करने, समय पर पेंशन का इंद्राज करने, समय पर मनी ऑर्डर बुक करने, अवितरित मनी ऑर्डर तुरंत लौटाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पेंशन एरियर के भुगतान में देरी से बचने के लिए मानवीय आधार पर विधि सम्मत स्वविवेक से निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। डाक विभाग को पेंशन की राशि स्थानांतरित होने पर ईमेल द्वारा सूचना करने की भी सहमति बनी। बैठक में सिरोही मंडल के डाकघर अधीक्षक देवाराम पुरोहित, जालौर के सहायक डाकघर अधीक्षक बीएस राजपुरोहित, जालौर उपखंड अधिकारी हरफुल पंकज एवं अतिरिक्त जिला कोषाधिकारी कानाराम प्रजापत उपस्थित थे। शहर के हरिदेव जोशी सर्कल के पास हेड पोस्ट ऑफिस रोड पर स्थित एक देसी शराब की दुकान पर एक युवक की अधिक शराब पीने से मौत हो गई। युवक शहर में फल फ्रूट का व्यापार कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। शहर के हेड पोस्ट ऑफिस मार्ग पर स्थित देसी शराब की दुकान के पास तिलक द्वार के पास फल की लारी चलाने वाला कुयराम मेघवाल निवासी जालौर की देसी शराब अधिक पीने के कारण देसी शराब की दुकान के पास ही एक खाली दुकान के आगे गिरने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने विरम न्यूज को बताया कि करीब शाम को 7 बजे के आसपास देसी शराब की दुकान से मृतक कुयराम मेघवाल देसी शराब पीने के बाद पास में ही खाली दुकान के आगे लेट गया। अधिक शराब के नशे में युवक कुयराम मेघवाल की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना कोतवाली के अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। हेड पोस्ट ऑफिस मार्ग पर संचालित इस देसी शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर 1 सप्ताह पूर्व ही वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान बंद करवाने की मांग की थी। शराब की दुकान मालिक के ऊंचे रसूखात होने के कारण पुलिस व आबकारी विभाग चाहकर भी कार्यवाही की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।